वेलकम बैक टू द चैनल विदाउट एनी डाउट। आई एम खुशहाली हियर। आज के वीडियो में हम कोडेड इनइक्वालिटीज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, और ये जो है ये हमारा इनइक्वालिटीज का पार्ट थ्री है। पार्ट वन एंड टू के अंदर ऑलरेडी मैंने आपको काफी क्वेश्चंस को सॉल्व करवा दिया है। ओके, अब देखिए हम जो है उसी ट्रिक को यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करने वाले हैं। सो अगर आपको वो ट्रिक नहीं पता है तो प्लीज आप पहले पार्ट वन एंड टू को देख लीजिएगा, ताकि जो है आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में आप इस वीडियो के ऊपर आइएगा, ताकि जो है आपको कोडेड इनइक्वालिटीज में कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और इसको आप बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और ये जो है ऑलरेडी आपकी बैंक पीओ की एग्जाम में प्रीवियसली पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, अब देखिए आप देख सकते हो यहाँ पे हमें हर एक अलग अलग कोड के लिए बताया गया है कि कौन से कोड के लिए कौन सा साइन यूज होगा। ओके, अब देखिए जब भी हम इस तरह के क्वेश्चंस को डील करते हैं तो हमें क्या करना है। देखिए जो इनइक्वालिटीज के क्वेश्चंस होते हैं उसमें मेनली तीन ही साइन होते हैं। कौन से तीन साइन होते हैं? हमारा होता है ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल्स टू, राइट। बाकी के जो दो साइन होते हैं वो इन्हीं तीन को कंबाइन करके बनता है, लेस देन और इक्वल्स टू एंड ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, राइट। अब देखिए आपको क्या करना है, बस आपको माइंड के अंदर इन तीनों साइन को लेके चलना है, राइट। इसको आपको लिखना नहीं है, फिलहाल ये फर्स्ट क्वेश्चन है तो मैं लिख लेती हूँ। बाकी बस आपको क्या करना है, माइंड के अंदर इन तीनों ही साइंस को लेके चलना है। ओके, अब देखिए हम रीड करते हैं क्या बताया गया है। पी कॉपीराइट क्यू, मतलब कि हमें किसके लिए बताया गया है, कॉपीराइट के लिए बताया गया है। क्या बताया गया है, देखिए P is neither greater than nor smaller than. Okay. अब देखिए जो neither nor है वो क्या है, वो एक negative है, वो हमें मना कर रहा है कि इसको आपको नहीं लेना है। ओके, तो क्या लिखा है, neither greater than nor smaller than. अब हमें क्या बताया है, ना ही greater लेना है ना ही smaller लेना है, तो बच कौन सा गया हमारा, equals to, right. तो हमें यहाँ पे copyright का sign मिल गया, equals to. Okay. अब देखिए next क्या बताया गया है, हमें यहाँ पे दिया गया है P heads Q means P is either greater than or equals to. Okay. अभी देखिए हमने neither nor के लिए क्या बताया, मैंने आपको neither nor के लिए मैंने आपको बताया कि वो नेगेटिव है, वो हमें मना कर रहे हैं, राइट। सो neither nor के साथ जो भी साइन दिए हुए होंगे उसको हम नहीं लेते हैं। ओके, तो अब उसका उल्टा either or को हम पॉजिटिवली लेंगे, राइट। तो either or के साथ जो भी साइन दिए हुए होंगे उसको हम एज इट इज लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए either greater than और equals to क्या बताया है, हमें heads के लिए बताया है कि greater than है और equals to है। क्या किया मैंने, greater than और equals to जैसा मैंने पढ़ा वैसा ही एज इट इज मैंने किया। ओके, तो क्या करना है, जब भी neither nor होगा तो उसको हमें नेगेटिव लेना है, जो भी साइन बताया है उसके अलावा जो बाकी का साइन है वो लिखना है। ओके, अगर either or दिया है तो बहुत ही सिंपल है, जो दिया है उसी को लिख देना है। क्या दिया है, greater than दिया है, equal दिया है, मैंने greater than and equal दोनों को लिख लिया। ओके, नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है। P डॉलर Q मीन्स, यानी कि हमें किसके लिए बताया गया है, डॉलर के लिए बताया है। क्या बताया है, P is either smaller than or equal to, right? तो smaller than और equals to दोनों को मैंने लिख लिया, क्योंकि यहाँ पे तो either or था, either or को मैंने आपको क्या बताया कि positive लेना है, right? तो smaller और equal दोनों को मैंने as it is लिख लिया, तो हमें इसका sign मिल गया। okay? Next पढ़ते हैं, P percentage Q means, यानी कि हमें percentage के लिए बताया है। क्या बताया है, P is greater than Q, तो ये तो बहुत ही easy है, सीधा सीधा हमें बता ही दिया है कि P is greater than Q, तो सीधा सीधा लिख लेंगे greater than, okay? Next पढ़ते हैं क्या बताया है, P at the rate Q, तो हमें किसके बारे में बताया है, at the rate के बारे में। क्या बताया है, P is neither greater than nor equals to, तो देखिए neither nor का मैंने क्या बताया, negative लेना है। okay? क्या बताया है, greater है और equal है, तो greater और equal के अलावा कौन सा sign बाकी रह गया, देखिए greater और equal के अलावा कौन सा बाकी रह गया, less than। okay? So at the rate के लिए हमारा answer हो जाएगा less than। okay? बहुत easy है, क्या करना है, जब neither nor दिया है तो जो साइन दिए है उसके अलावा जो तीसरा साइन है वो लिख देना है, either or दिया है तो जो दिया है उन दोनों को as it is आपको लिख लेना है। ओके,
आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए, जब भी कोडेड इनइक्वालिटीज के क्वेश्चन होंगे, आपको बस इतना ही पेन और पेपर का यूज करना है, इससे ज्यादा नहीं करना है। बस आपने ये साइंस लिख लिए अपनी कॉपी के अंदर, इतना इनफ है। अब जो बाकी का वर्क करना है, वो सब कुछ हमें माइंड में कैलकुलेट करना है, वहां पे आपको कुछ भी लिखना नहीं है। ओके, तो चलिए अब हम क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हर एक स्टेटमेंट के नीचे हमें दो कंक्लूजन्स दिए हुए हैं। ओके, अब देखिए, ये इतना जो पोर्शन है, ये हमारा कंप्यूटर की स्क्रीन आप समझ लीजिए, और ये जो है ये हमारा रफ पेज है, जिसके अंदर की हमने हर एक कोड के लिए जो साइन था वो हमने लिख लिया था। ओके, अब देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंक्लूजन को पढ़ेंगे। फर्स्ट कंक्लूजन क्या बोल रहा है, डी परसेंटेज एम, परसेंटेज के लिए हमने कॉपी में देखा, परसेंटेज का मतलब हो रहा है ग्रेटर देन। ओके, सो अगर यहाँ पे ग्रेटर देन अज्यूम करेंगे तो गेट डी की ओर ओपन होगा, राइट। देखिए ग्रेटर देन ऐसे लगेगा, राइट। सो अगर ग्रेटर देन को अगर हम ऐसे यहाँ पे रखेंगे तो गेट जो है वो डी की ओर ओपन होगा। ओके, सो डी से स्टार्ट करके हमें एम की ओर जाने की कोशिश करनी है। ओके, अब देखिए डी हमारा यहाँ पे है, एम यहाँ पे है। सबसे पहले कॉपीराइट का मीनिंग देखेंगे, कॉपीराइट का मतलब है इक्वल्स टू, सो गेट ओपन है, आर तक आ गए, आर यहाँ पे है। ओके, अब बीच में एट द रेट है, एट द रेट का मीनिंग आपने देखा हो रहा है लेस देन, यानी लेस देन अगर ऐसे रखेंगे तो फिर से गेट ओपन मिल गया हमें, जे तक आ गए। ओके, अब जे यहाँ पे है, सो यहाँ पे आ जाएंगे, जे डॉलर है यहाँ पे, सो डॉलर का मीनिंग देखा हमने क्या हो रहा है, लेस देन और इक्वल्स टू, तो अगर यहाँ पे लेस देन और इक्वल्स टू को ऐसे रखेंगे तो फिर से हमें क्या मिल गया, गेट ओपन मिल गया, तो हम एम तक आ गए, राइट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैंने क्या किया। देखिए लिख के बता देती हूँ, कॉपीराइट का मीनिंग मैंने देखा कॉपी में, इक्वल्स टू मिल गया, गेट ओपन मिल गया, आर तक आ गए। ओके, अब आर यहाँ पे भी है, एट द रेट का मीनिंग मैंने देखा कॉपी में हो रहा है लेस देन, फिर से मुझे गेट ओपन मिल गया, मैं जे तक आ गई, जे से फिर से हमें गेट ओपन मिल गया, एम तक आ गए, राइट। सो हर एक जगह पे गेट ओपन था। इसके साथ में जो हमारी सेकंड कंडीशन है वो क्या है, किसी भी एक जगह पे इक्वल्स टू के बगैर गेट ओपन होना चाहिए, वो भी था, राइट। सो ये कंक्लूजन हमारा फॉलो हो गया। नेक्स्ट कंक्लूजन देखते हैं, आर परसेंटेज एम। ओके, परसेंटेज का मतलब हमने देखा क्या हो गया, ग्रेटर देन हो गया, ग्रेटर देन ऐसे होगा, यानी गेट आर की ओर ओपन है, आर से स्टार्ट करके एम की ओर जाएंगे। ओके, अब देखिए आर यहाँ पे है, एम यहाँ पे है। ओके, अब एट द रेट का मीनिंग हमने कॉपी में देखा क्या हो रहा था, लेस देन, ग्रेट ओपन है, जे तक आ गए। ओके, जे का मीनिंग हो रहा है लेस देन और इक्वल्स टू, फिर से गेट ओपन है, एम तक आ गए, राइट। तो हर एक जगह पे गेट ओपन था और एक जगह पे विदाउट इक्वल्स टू हमें गेट ओपन मिला था, राइट। सो ये भी हमारा फॉलो हो गया। तो इसका आंसर होगा बोथ कंक्लूजन वन एंड टू फॉलो। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट कंक्लूजन देखेंगे, एफ डॉलर एन, डॉलर का मीनिंग क्या है, कॉपी में देखा हमने हो रहा है लेस देन और इक्वल्स टू, अगर यहाँ पे लेस देन और इक्वल्स टू को मैं अज्यूम करेंगे तो क्या हो जाएगा, गेट एन की ओर ओपन है, सो एन से स्टार्ट करके एफ की ओर जाने की कोशिश करेंगे और साथ में इक्वल्स टू को लेके चलेंगे, राइट, क्योंकि यहाँ पे इक्वल्स टू भी है। ओके, सो एन कहाँ पे है हमारा, एन यहाँ पे है एंड एफ यहाँ पे है। ओके, सबसे पहले हेड्स का मीनिंग देखा हमने कॉपी में क्या हो रहा है, ऐसे हो रहा है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, सो गेट ओपन है, साथ में इक्वल्स टू भी है, टी तक आ गए। ओके, अब टी के बाद में है यहाँ पे कॉपीराइट, कॉपीराइट का मतलब हो रहा है इक्वल्स टू, तो यहाँ पे भी गेट ओपन है, साथ में इक्वल्स टू भी है, सो हर एक जगह पे गेट ओपन था, साथ में इक्वल्स टू भी था, मतलब ये कंक्लूजन हमारा फॉलो हो गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, बी डॉलर टी, डॉलर का मतलब हमने देखा कॉपी में क्या हो रहा है, लेस देन और इक्वल्स टू हो रहा है। ओके, सो अगर यहाँ पे लेस देन और इक्वल्स टू हम अज्यूम करेंगे तो गेट टी की ओर ओपन है, सो टी के टी से स्टार्ट करके बी की ओर जाएंगे, साथ में इक्वल्स टू को लेके चलेंगे, राइट। सो टी यहाँ पे है हमारा एंड बी यहाँ पे है। सबसे पहले कॉपीराइट का मीनिंग हमने देखा इक्वल्स टू हो रहा है, सो गेट ओपन है, साथ में इक्वल्स टू भी है, एफ तक आ गए। यहाँ पे परसेंटेज है, परसेंटेज का मीनिंग हो रहा है हमारा यहाँ पे ग्रेटर देन। ओके, सो आप देख सकते हो गेट ओपन है, हम बी तक आ सकते हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए था, हर एक जगह पे साथ में इक्वल्स टू भी चाहिए था। ओके, लेकिन यहाँ पे इक्वल्स टू नहीं है, इसका मतलब ये कंक्लूजन हमारा फॉलो नहीं होगा। ओके, सो इसका आंसर होगा ओनली कंक्लूजन वन फॉलोस। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं।
तो देखिए यहाँ पे कंक्लूजन क्या दिया गया है, के परसेंटेज जे, परसेंटेज का मीनिंग हमने यहाँ पे देखा हो रहा है ग्रेटर देन, ओके। सो अगर यहाँ पे ग्रेटर देन अज्यूम करेंगे तो गेट के की ओर ओपन होगा। सो के से स्टार्ट करके हम जे की ओर जाने की कोशिश करेंगे, ओके। अब देखिए हमारा के यहाँ पे है, राइट। सो यहाँ पे क्या है, हेड्स है। तो हेड्स का मीनिंग हमने कॉपी में देखा क्या हो रहा है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू हो रहा है, मतलब कि गेट हमें क्या मिल गया, क्लोज मिल गया, हम के से आगे नहीं बढ़ पाए। सो ये जो है ये कंक्लूजन हमारा फॉलो नहीं होगा, ओके। नेक्स्ट देखते हैं एम परसेंटेज एच, परसेंटेज का मीनिंग हमने देखा क्या हो रहा है, ग्रेटर देन हो रहा है, गेट एम की ओर ओपन है। सो एम से स्टार्ट करके एच की ओर जाने की कोशिश करेंगे, ओके। सो एम हमारा यहाँ पे है, ओके। सो एम से जे तक जाएंगे, जे से एच तक, राइट। अब देखिए परसेंटेज का मीनिंग हो रहा है ग्रेटर देन, सो यहाँ पे अगर हम ग्रेटर देन रखेंगे तो गेट ओपन मिल गया, जे तक आ गए, ओके। फिर से क्या है, एट द रेट है, एट द रेट का मीनिंग हमने देखा हो रहा है हमारा लेस देन, ओके। अगर यहाँ पे ऐसे लेस देन रखेंगे तो फिर से हमें यहाँ पे जे से एच की ओर जाने के लिए गेट ओपन मिल गया, ओके। सो हर एक जगह पे गेट ओपन था और एक बार इक्वल्स टू के बगैर गेट ओपन चाहिए था, वो भी हमें मिल गया है, राइट। सो ये कंक्लूजन हमारा फॉलो हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा ओनली कंक्लूजन टू फॉलो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कंक्लूजन दिया गया है। वी एट द रेट बी, एट द रेट का मीनिंग हमने देखा हो रहा है लेस देन, ओके। सो अगर यहाँ पे लेस देन रखेंगे तो गेट बी की ओर ओपन होगा, सो बी से स्टार्ट करके वी की ओर जाएंगे, ओके। सो बी यहाँ पे है हमारा एंड वी यहाँ पे है। सो एट द रेट का मीनिंग हो रहा है लेस देन, सो गेट हमें ओपन मिल गया, आर तक आ गए, ओके। अब आर के बाद है यहाँ पे हेड्स, हेड्स का मीनिंग हो रहा है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। सो अगर यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल्स टू को रखेंगे तो क्या हो जाएगा, गेट क्लोज हो जाएगा, राइट। सो ये कंक्लूजन हमारा फॉलो नहीं होगा। नेक्स्ट बता रहा है हमें बी परसेंटेज टी, परसेंटेज का मीनिंग हमने देखा हो रहा है ग्रेटर देन, ओके। सो अगर यहाँ पे ग्रेटर देन रखेंगे तो गेट बी की ओर ओपन होगा, सो बी से स्टार्ट करके टी की ओर जाएंगे, ओके। सो बी हमारा यहाँ पे है और टी यहाँ पे। अब देखिए एग्जाम में जो है ऐसे क्वेश्चंस दिए जाते हैं ना, वो हमें टाइम सेव करने के लिए दिए जाते हैं। आपने अभी अभी देखा बी से हमने वी की ओर जाने की कोशिश करी थी, ओके। सो हमने बी से टी तक आया था और यहाँ पे हमें क्लोज गेट मिला था, ओके। सो अब जो है ये हमारा टाइम है अलर्ट हो जाने का, फिर से आपको बी से टी तक नहीं जाना है, यहाँ पे आपको आपकी 2 से 3 सेकंड बचा लेनी है, ओके। डायरेक्टली आपको करना है, ये फॉलो नहीं हो रहा है। सो यहाँ पे आंसर होगा नेदर कंक्लूजन वन नॉर कंक्लूजन टू फॉलोस, ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखिए ये जो है हमारा फिफ्थ एंड लास्ट स्टेटमेंट है, क्या कंक्लूजन दिए गए हैं हमें। आप देख सकते हो दोनों ही कंक्लूजन के अंदर सेम एलिमेंट्स है, ओके। तो देखिए जो हमारा पार्ट टू था इनइक्वालिटीज का, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जब भी हमें दो सेम एलिमेंट नजर आ रहे हैं तब जो है हमें थोड़ा सा अलर्ट हो जाना है कि ये जो है ये एदर और का केस हो सकता है, ओके। अब देखिए यहाँ पे परसेंटेज दिया गया है, परसेंटेज का मतलब हो रहा है ग्रेटर देन, एंड यहाँ पे डॉलर दिया गया है, डॉलर का मतलब है लेस देन और इक्वल्स टू। तो देखिए ये जो है ये हमारा केस टू है, जो कि मैंने आपको पार्ट टू के अंदर एक्सप्लेन किया था, ओके। तो क्या होना चाहिए था, दोनों में दो अपोजिट साइन होने चाहिए थे और किसी भी एक में इक्वल्स टू होना चाहिए था। आप देख सकते हो कि उसी तरह का यहाँ पे है, राइट। सो अब हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच में जो रास्ता है डी से आर की ओर जाने का, ओके, उसमें जो है कहीं पे भी बीच में दो अपोजिट साइन हमें मिलने चाहिए। अगर हमें अपोजिट साइन मिल गया तो इसका आंसर हो जाएगा एदर और। तो देखते हैं हम, देखिए डी यहाँ पे है, एट द रेट का मतलब हो रहा है हमारा ग्रेटर देन, यानी गेट ओपन मिल गया, बी तक आ गए, ओके। अब यहाँ पे दिया गया है हेड्स, हेड्स का मतलब हो रहा है लेस देन और इक्वल्स टू। सो अगर यहाँ पे लेस देन और इक्वल्स टू मिले लिखेंगे तो हमें क्लोज गेट मिल गया, राइट। सो इसका मतलब क्या हो गया कि हमें दो अपोजिट साइन मिल गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सिंपली एदर और, ओके। अब देखिए ये मैंने आपको ऊपर ऊपर से ही बताया है, क्योंकि जो एदर और का पूरा मैंने आपको अलग से एक वीडियो बना के ऑलरेडी दिया हुआ है, आप वहां पे जाके इसको थोड़ा सा ब्रीफली देख लीजिएगा, ओके। अब देखिए मैंने यहाँ पे जो जितने भी क्वेश्चंस करवाया है उनको मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके करवाया है, इसलिए थोड़ा ज्यादा टाइम लगा है। लेकिन जब आप इसको सॉल्व करने बैठोगे इस ट्रिक की हेल्प से, बिलीव मी फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चंस है आपके विद इन सेकंड्स के टाइम के अंदर
बन जाएंगे। ओके सो प्लीज आप इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करिएगा और हो सके उतना कम से कम पेन एंड पेपर का यूज कीजिएगा। ओके आपको पेन और पेपर का यूज बस इस सिंबल्स को लिखने के लिए करना है, बाकी का ये जो सारा वर्क है ये सब कुछ आपको माइंड में कैलकुलेट करने की कोशिश करनी है। ओके सो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। सो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा है। ओके फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग।